कहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। हाँ गुड मॉर्निंग जेठालाल, तुम दुकान के लिए निकले तो नहीं ना? नहीं निकल गया हूँ। निकल गए? अरे क्यों, क्या हुआ? दरअसल मुझे तुम्हारे साथ ही आना था। क्या है ना, मेरे क्लाइंट का ऑफिस तुम्हारे दुकान के पास है और मुझे उसे प्रेजेंटेशन देनी है, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ तो चलिए ना, साथ में चलते हैं भाई। मैं निकल गया हूँ, मतलब अभी खाली सीढ़ियाँ उतरा हूँ, इधर बारी खड़ा हूँ। आइए आइए, मैं आपका इंतजार करता हूँ। बस 5 मिनट में आया। हाँ ठीक है, और नाश्ता क्या करेंगे? अरे भाई मैं भागा को फोन करके बोल दूँ ना, क्या कि हम दोनों पहुँचे तब तक वो कुछ मस्त चटाकेदार नाश्ता मंगा के रखेगा। नाश्ता करके फिर जाना प्रेजेंट देने। प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंटेशन। हाँ जो भी है भाई, बोलिए बोलिए क्या नाश्ता करेंगे? मंगवा लेना जो भी तुम्हें ठीक लगे। ठीक है चलिए, आइए आप, मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। ठीक है ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आया। ओके आई। हाँ बागा देख, मेहता साहब भी आ रहे मेरे साथ अभी दुकान, तो कुछ मस्त चटाकेदार नाश्ता मंगा के रख। ठीक है हाँ ओके चल। अरे वाह, पहले तो सिर्फ बबीता जी की बालकनी देख के बबीता जी की याद आती थी, अब इसमें एक और चीज जुड़ गई, बबीता जी की गाड़ी। उनको बोलना पड़ेगा नई गाड़ी में हम कभी कभी लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाइए। मजा आएगा। बबीता जी पूर पाट गाड़ी चला रहे होंगे, गाड़ी में एसी भी एकदम फुल चल रहा होगा और वातानुकूलित वातावरण में। ओ जेठालाल, ओ जेठालाल, भिड़े तो? हाँ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैं क्या खड़ा हूँ, मैं तो बैठा हूँ। ओ जेठालाल, हाँ, क्या बैठे हो? तुम तो खड़े हो? हैं? अरे तुमने बोला ना अभी, मैं क्या खड़ा हूँ, मैं तो बैठा हूँ। ये कौन सा बैठना हुआ? और वहाँ क्या देख रहे हो? कहाँ? वहाँ, बबीता जी की बालकनी में। अरे वो देख कितने डेंजर आइटम है। इधर क्या, कौन? अरे वो लाइट का वायर, वो देख कितना खुला लटक रहा है। बारिश का मौसम है भाई, कहीं वो वायर और बबीता जी के रेलिंग को टच हो गया तो रेलिंग में करंट बढ़ जाएगा ना भाई। अरे हाँ जेठालाल, थैंक यू थैंक यू, अच्छा हो तुम्हारा ध्यान गया और तुमने मुझे बताया। मैं आज ही इलेक्ट्रिशियन को बुला के वो ठीक कर देता हूँ। वैसे तुम का दुकान ही जा रहे हो ना? हाँ हाँ, तो रुको मैं जरा सोसाइटी ऑफिस का काम निपटा के आता हूँ, फिर तुम्हें दुकान छोड़ता हूँ, मैं उसी एरिया में जा रहा हूँ। अरे वाह ठीक है, तो मेहता साहब भी आ रहे, तीनों साथ में चलते हैं। तीनों नहीं चारों। चौथा कौन? सखाराम। हे भगवान, आ दुकान पहुंचता सुधी आना आवाज बदा फालतू जोक संभोड़ा पड़ से। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, तू जाना दुकान का काम निपटा के आना जल्दी। दुकान? अरे मतलब तेरी ऑफिस का। मेरी ऑफिस? अरे भाई सोसाइटी की ऑफिस का जो भी काम है फटाफट निपटा के आना। भाई जल्दी आता आता। बहुत टाइम लग गया मेहता साहब को। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे वाह, सुबह सुबह गाड़ी में कहाँ जा रहे? पार्लर। पार्ले? विले पार्ले?
नहीं नहीं ब्यूटी पार्लर। अरे आपको ब्यूटी पार्लर में जाने की क्या जरूरत है बबीता जी, आप तो स्वयं वो ब्यूटीफुल है। मतलब आप तो हमेशा से ब्यूटीफुल ही है। दाजी, दाजी, आप भी ना। कैसे कौन सा ब्यूटी पार्लर में जाते हैं आप हमेशा? ब्लू हेवन। ये नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये वही तो नहीं जो मेरी दुकान जाने के रास्ते में आता है? हाँ ये वही वाला है। अरे वाह सरस। तो मतलब वहां तक मैं आपके साथ आपकी गाड़ी में आ सकता हूँ क्या जेठा जी? ऑफ कोर्स चलिए। पूछना तो चाहिए ना। आई आई थैंक यू अमिता जी। अरे जेठा जी क्या आप भी आपके साथ नई गाड़ी में ये खुल नहीं रहा है। आइए आइए। खुला खुला। वाह बबीता जी अभी गाड़ी चालू मत कीजिएगा। क्यों क्या हुआ? और मैं तो सबको भी मेरी दुकान की ओर आना है तो वो भी आ रहे हैं। उनको टाइम लगेगा? नहीं नहीं बस 5 मिनट में आ रहे हैं। जेठा जी आप एक बार मेहता सबको फोन कीजिए ना प्लीज, कहना अगर उनको टाइम लगने वाला है तो मुझे निकलना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी मेरे अपॉइंटमेंट के लिए लेट हूँ। नहीं नहीं अभी फोन करता हूँ उसमें क्या। हमें इस नंबर पर उनका फोन बिजी आ रहा है। ओ ओ एक काम कीजिए मैं फटाफट जाके उनको लेके आता हूँ। जी बॉस प्रेजेंटेशन हो जाएगा। जी 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 डोंट वरी एट ऑल, 2 बजे तक प्रेजेंटेशन रेडी हो जाएगा। जी हाँ जी। अरे मेहता साहब फोन पे के टाइम पास कर रहे हैं आप, चलिए जल्दी बबीता जी वेट कर रहे हैं। बस 1 मिनट। क्या कौन वेट कर रहा है? बबीता जी। क्यों? अरे वो अपनी गाड़ी में मेरी दुकान की ओर ही जा रहे हैं तो हम उनके साथ ही निकलते हैं ना, चलिए जल्दी उनको लेट हो रहा है। एक काम करो तुम निकलो। क्या मुझे बॉस ने लास्ट मिनट चेंजेस करने के लिए कहा है प्रेजेंटेशन में, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं निकलो? हाँ निकलो। पक्का 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 निकलो। जी बॉस। जी 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 नहीं 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 पक्का डन 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 डन। चलिए बबीता जी। मैं तो सब नहीं आ रहे। नहीं नहीं अरे उनकी तो फोन पे मीटिंग चल रही है लंबी, तो उनको टाइम लगेगा। ओके ठीक है। बापू जी का फोन। हाँ बापू जी। हाँ आपकी दवाई तो मैं कल दुकान से आते वक्त ही लेके आया था। बापू जी मैं अभी कंपाउंड में हूँ तो मैं घर पे आके आपको देता हूँ 1 मिनट। हाँ हाँ आया मैं अभी। बबीता जी सॉरी आप निकलिए। आपको चाचा जी को सिर्फ दवाई देनी है ना, आप देख के आइए मैं तब तक रुकती हूँ। नहीं वो दवाई अभी मैंने कहाँ रखी है याद नहीं आ रहा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा टाइम जाएगा। कोई बात नहीं आप निकलिए। बबीता जी के साथ गाड़ी में जाने का मस्त मौका था। भगवान आप भी ना आजकल बहुत मस्तीखोर हो गए। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग। जेठा कहाँ गया? वो बबीता जी के साथ उनकी कार में बैठ के चला गया। अरे हाँ कोई बात नहीं आप चलिए। कहाँ चलूँ? वो क्या हुआ जेठा ने मुझे बताया कि आपको उसकी दुकान के एरिया में काम है और मुझे भी उसी एरिया में काम है, तो मैं अभी सकराम लेके जा ही रहा हूँ, तो बोला आप चलिए मेरे साथ। हाँ ठीक है चल। हाँ मैं सकराम लेके आता हूँ। हाँ बॉस। जी 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 बस 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 पहुंच ही रहा हूँ। हाँ जी हाँ। अरे सर वो प्रेजेंटेशन हो जाएगा। जी चलो अब तक तो भिड़े और मेहता साहब दोनों का काम निपट गया होगा, तो हम तीनों सखा राम पे साथ में ही जाते हैं। स्कूटर
शखराम की आवाज। अरे बबीता जी की गाड़ी भी गई और शखाराम भी गया। क्या हुआ जेठा भाई? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे कुछ कैसे नहीं, देखिए आप कितने टेंशन में लग रहे हैं। जेठा भाई चाहे कुछ भी हो जाए पर कभी टेंशन मत लेना, क्योंकि टेंशन कई बीमारियों की जड़ होती है, इसलिए आप हमेशा खुश रहा कीजिए। जरूर जरूर। आइए कहीं छोड़ दूं आपको? अरे नहीं नहीं जेठा भाई, मुझे यही पास के हॉस्पिटल में जाना है, मैं चला जाऊंगा। ओके। चिंतामणि, हे भगवान ये चिंतामणि को झेलने की शक्ति देना। हेलो, हाँ चिंतामणि जी बोलिए। चिंतामणि जी मैं आपको कितनी बार कहूं कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप एकदम फिट है। नहीं नहीं आप मेरे क्लिनिक मत आइए, मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं एडमिट होने क्यों जाऊंगा चिंतामणि जी, मैं पेशेंट को देखने जा रहा हूँ। ठीक है तो आप एक काम कीजिए, आप 2:30 बजे मेरे क्लिनिक आ जाइए। हाँ ओके 2:30 बजे मिलते हैं। आदि भाई। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है आदि भाई, बहुत टेंशन में लग रहे हो। अब्दुल क्या बताओ, मेरा एक पेशेंट है चिंतामणि नाम का, उसने परेशान करके रख दिया है। यही बगल वाली सोसाइटी में नया नया शिफ्ट हुआ है, वो एकदम फिट है, कोई बीमारी नहीं है, फिर भी वो आके मुझे बोलते हैं कि बीमार है मेरा इलाज करो दवाई दो। अब्दुल वो बीमार है ही नहीं तो मैं उसे दवाई कैसे दूं? चिंतामणि वही ना जो कुछ दिन पहले मुझे और पोपट भाई को मेरी दुकान पे मिले थे। हाँ वही। ये कौन है, कभी पहले मैंने इनको सोसाइटी में देखा नहीं। अरे भाई। अरे रुको रुको कहाँ जा रहे हो? गोकुलधाम सोसाइटी। किसकी यहाँ? अरे 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 अब्दुल क्या कर रहा है भाई, ऐसे राह चलते हुए सज्जन को इस तरह से रोककर पूछना नहीं चाहिए कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं किसके यहाँ जा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। सॉरी सॉरी सॉरी, समझ मेरे लिए कोई लड़की वाले रिश्ते लेकर आ रहे होंगे और ऐसे तुमने पूछ लिया तो सामने वाले को बुरा लग सकता है। हाँ 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 बराबर, ऐसे टोकोगे तो बुरा लगेगा ना। मतलब आप सच में मेरे लिए रिश्ता लेकर आए? तो आइए ना चले चले घर चलकर आराम से बात करते। आइए ना प्लीज। मैं आपके लिए रिश्ता नहीं लेके आऊं भाई। तो किसके लिए रिश्ता लेकर आए? गोकुलधाम सोसाइटी में अभी मैं ही शादी लायक हूँ। अरे भाई मैं किसी के लिए भी रिश्ता लेकर नहीं आया हूँ। ओह अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, मैं तो ये सोचकर खुश हो रहा था कि आप मेरे लिए रिश्ता लेकर आए। मतलब भाई साहब अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है? ओह लेकिन एक बात बोलूं, अगर हो सके तो शादी करना भी मत। क्यों? क्योंकि शादी करते ही बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जिम्मेदारियां मतलब 100 टेंशन, और अगर एक बार आपको टेंशन आई ना तो फिर आपका बीपी बढ़ेगा, फिर आप बीमार पड़ेंगे और फिर दवाइयां, और एक बार आपके शरीर में बीमारी घुसी ना फिर आप बीमार पड़ते रहो, एक बीमारी के बाद दूसरी फिर तीसरी, और फिर आप बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस जाओगे। इसलिए शादी मत करना, और अगर कहीं शादी के बाद बीवी चली गई तो इतना दुख होगा मत पूछो। इसलिए मैं कहता हूं शादी करना ही मत। नो शादी नो टेंशन नो बीमारी। बस 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 भाई साहब आपने तो डरा दिया मुझे, मतलब आपके हिसाब से मुझे शादी का प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। हाँ अरे नहीं नहीं पोपट भाई आप शादी करना कैंसिल मत करो, मैं तो कहता हूँ कि आप ऐसी लड़की के साथ शादी करो जो डॉक्टर हो, कभी आप बीमार पड़ जाओ आप टेंशन में हो तो भाभी है ना खुद इलाज करने के लिए। सही कह रहा है तू, वैसे लड़के चाहे डॉक्टर हो पत्रकार हो कोई भी हो बस मिल जाए और जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए।
भाई साहब, अगर आपके ध्यान में भी मेरे लायक कोई सुकन्या हो तो जरूर बताइएगा। मैं यही रहता हूँ गोकुलधाम सोसाइटी में, ऊपर सेकंड फ्लोर सी विंग। वैसे भाई साहब, आज के पहले आपको कभी यहाँ देखा नहीं? मैं यहाँ नहीं रहता, मैं अभी अभी बाजू की सोसाइटी में शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने सुना है कि डॉक्टर हाथी बहुत अच्छा इलाज करते हैं, इसलिए उनसे अपना इलाज कराने आया हूँ। अच्छा, आप एकदम सही जगह पर आए हो। पूरे एरिया में एक ही फेमस डॉक्टर है, डॉक्टर हंसराज हाथी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे हाथी भाई बहुत बढ़िया इलाज करेंगे आपका। हाँ, आपको किसी भी तरह की बीमारी होगी ना, वो एकदम ठीक कर देंगे। अच्छा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप अब सेफ हाथी है? मेरा मतलब है सेफ हाथों में है। ये वही अनोखा पेशेंट है। अब्दुल, तुम्हें उसे देखकर लग रहा था कि वो बीमार है? नहीं, फिर भी उसे 24 घंटे ऐसा लगता रहता है कि वो बीमार है। पता नहीं आज कौन सी बीमारी लेकर आएगा। अभी 2:30 बजे आने वाला है। हाथी भाई, आज के लिए ऑल द बेस्ट है। थैंक यू अब्दुल, चलो चलता हूँ। हाँ। मैं भी कोमल को फोन करके बता देता हूँ कि चिंतामणि आ रहा है। अरे हंस। हाँ हंस, बोलो। हाँ कोमल, वो चिंतामणि का फोन आया था। वो फिर से आने वाले हैं? हाँ, वो 2:30 बजे क्लिनिक पर आ रहा है। अरे कमाल है हंस, तुमने उन्हें समझा दिया था ना कि उनकी तबीयत एकदम ठीक है, तो अब क्या हुआ? मैंने समझाया तो था, पर वो समझा कहाँ? उसे अभी भी लगता है कि वो बीमार है। वो मेरी बात नहीं मानता है तो क्या करूँ? तो हंस, तुम उन्हें फोन करके मना कर दो ना कि तुम उन्हें नहीं मिल सकते। नहीं नहीं कोमल, मैं ऐसे मना कैसे कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। वो आता है तो मुझे भी टेंशन हो जाती है, पर फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना। हंस, आई अंडरस्टैंड कि तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें फर्ज निभाना है, लेकिन ये पेशेंट ऐसा है ना जो तुम्हें सवाल पूछ पूछ कर कहीं तुम्हें ही पेशेंट ना बना दे। सही बात है कोमल, चलो देखते हैं कि 2:30 बजे क्या होता है। ओके हंस, डोंट वरी। हाँ, अरे बाप रे कोमल, 2:30 बज गए, अभी वो चिंतामणि आता ही होगा। आते ही पता नहीं कौन सी बीमारी के बारे में बोलेगा। कैसे समझाऊं उससे कोमल, मैं थक गया हूं। बी स्ट्रॉन्ग हंस, और प्यार से समझाओ। डॉक्टर हाथी, डॉक्टर हाथी बचाइए मुझे, जल्दी कुछ कीजिए। ओह गॉड, क्या हो गया इन्हें? मत पूछे, बहुत हालत खराब है, चिंता की चिंता बढ़ गई है। अरे पर आपको हुआ क्या है ये तो बताइए। डॉक्टर हाथी, मेरी सांस फूल रही है। डॉक्टर हाथी, मुझे लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे, मुझे मैं बेहोश ना हो जाऊं। डॉक्टर हाथी कुछ कीजिए, दवा दीजिए मुझे। ये देखिए मुझे कितना पसीना हो रहा है, जल्दी मेरा इलाज शुरू कर दीजिए डॉक्टर हाथी। देखिए आप शांत हो जाइए और बैठिए। नहीं डॉक्टर हाथी, मुझे बैठना नहीं है, आप मुझे जल्दी से दवा दीजिए, जल्दी कीजिए। अरे आप बैठेंगे नहीं तो आपको मैं चेक कैसे करूंगा? हाँ बैठ जाइए, हाँ। बैठ जाइए। चिंतामणि, हाँ तो चिंतामणि जी बताइए आपको क्या हो रहा है? देखिए ना डॉक्टर साहब, जल्दी देखिए, चेक कीजिए। अरे जब तक क्या हुआ ये नहीं बताएंगे तो चेक कैसे करूंगा? हाँ बताइए तो सही। मेरी सांस फूल रही है, मुझे चक्कर जैसा लग रहा है, इसीलिए भाग के आपके पास आया हूँ। अच्छा, तभी 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 क्या डॉक्टर साहब? देखिए आप ऐसे भाग कर आए हैं ना, इसलिए आपकी सांसें फूल रही है और पसीना आ रहा है। अच्छा, हाँ और बाहर गर्मी भी तो कितनी है। हाँ। देखिए चिंतामणि जी, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं, मुझे कुछ तो हुआ है, मुझे रात को नींद भी नहीं आती है। तो आप ना मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन? अरे आप डॉक्टर हो कि योगा टीचर? डॉक्टर साहब कोई दवा दीजिए मुझे ताकि मैं स्वस्थ रहूं।
चिंतामणि जी आप थोड़ी शांति रखिए। अरे शांति कैसे रखूं डॉक्टर साहब, अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऊपर से सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, बस एक कप चाय पिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? आपके घर में और कौन है? घर में कोई नहीं है। वो छोड़िए ना डॉक्टर साहब, आप मुझे भूख लगने की दवाई दीजिए, मुझे भूख भी नहीं लग रही है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं डॉक्टर साहब। ओह आई सी, देखिए चिंतामणि जी आपको भूख की वजह से चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, आपको कुछ खाने की जरूरत है। आप चिंता मत कीजिए कोमल, इनके लिए फटाफट खाना लेकर आओ। अभी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं घर जाके खाना खा लूंगा। देखिए इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, आप खाना खाएंगे ना तो आपको चक्कर आना बंद हो जाएगा और आप एकदम ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ना अंदर से बहुत अनइजी लग रहा है, उसका क्या? आप ना एक बार चेक कर लीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज आप चेक कर लीजिए ना। अरे आपका कल ही तो चेकअप किया था, आप एकदम ठीक थे। अरे वो तो कल किया था ना, अभी कुछ हो गया हो तो? नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप मुझे चेक कीजिए, प्लीज मुझे चेक कीजिए, प्लीज चेक कीजिए ना प्लीज। ठीक है आप बैठिए, मैं आपको चेक कर लेता हूँ। चिंतामणि डोंट वरी, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। जोर से सांस लीजिए, और जोर से। गुड, अपना हाथ दीजिए। देखा चिंतामणि जी, मैंने आपको कहा ना आप बिल्कुल फिट हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप खामखा ही चिंता कर रहे हैं। लेकिन तो चिंता की चिंता क्यों बढ़ रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अंदर से ठीक नहीं हूँ? क्योंकि आप अंदर से ऐसा सोच रहे हैं। अगर आप अंदर से अच्छा सोचेंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे और कोई टीवी पर कॉमेडी शो देखेंगे ना तो आप अच्छा फील करेंगे। हाँ हंस, खाना रेडी है? हाँ हाँ चलिए, खाना लग गया है, आप आइए आइए मेरे साथ आइए आइए। आप सोच क्या रहे हैं, खाना खाइए। हाँ कोमल खाइए खाइए। अरे भाभी जी बहुत अच्छा खाना बनाया आपने, बहुत अच्छा। थैंक यू। चिंतामणि जी अब आपको कैसा लग रहा है? पहले से अच्छा लग रहा है, चक्कर आना भी बंद हो गया है। अब घर जाइए और मजे कीजिए, मैंने आपको कहा था ना आपको कुछ नहीं हुआ है। ओके डॉक्टर हाथी, थैंक यू सो मच। लेकिन लेकिन डॉक्टर हाथी, लेकिन क्या? फिर से मुझे कुछ लगा ना तो मैं फिर से दवाई लेने आ जाऊंगा। कुछ नहीं होगा। बाय। चिंतामणि फाइनली गए। हाँ कोमल, तंग करके रख दिया है, टेंशन होने लगी है मुझे अभी। ऑफ कोर्स टेंशन तो होगा ही, पहले दो तीन दिन में एक बार आते थे, अभी दिन में दो तीन बार आने लगे हैं। हाँ उन्हें कोई बीमारी नहीं है, फिर भी उन्हें लगता है कि वो बीमार है और आ जाते हैं दवाई मांगने। हंस Actually, this is very irritating, huh? ये जब भी आता है ना, मुझे सरदर्द देकर जाता है। Don't worry, Hans, तुम बैठ जाओ, मैं सर दबा देती हूँ। But no, Komal, तुम्हें kitty party में जाना है ना, तुम kitty party में जाओ। Oh, come on, Hans, kitty party जाऊंगी, एक बार सर तो दबा देने दो। Komal, मैं डॉक्टर हूँ, अपने आप को हैंडल कर सकता हूँ। अभी एक गोली खाऊंगा ना तो ठीक हो जाऊंगा, वहाँ महिला मंडल तुम्हारा वेट कर रहा होगा। Hans, you're so kind and thoughtful. Love you. I love you too. मैं जल्दी से आ जाऊंगी। हाँ किटी पार्टी से? नो नो, तुम आराम से आना, कोई टेंशन मत लेना। ओके बाय बाय। सीरियसली सच में क्या बताऊँ, तारक का काम इतना बढ़ गया है ना कि वो घर में भी सारा दिन ऑफिस का ही काम करते हैं।
और जब भी हम चाय नाश्ता करने बैठते हैं तो उनके बॉस का फोन आ जाता है, मेहते अब तक ऑफिस पहुंचा क्यों नहीं? अंजलि भाभी अय्यर के साथ सेम होता है, इतना सारा हार्ड वर्क करने के बाद अय्यर जब अपने बॉस के साथ बात करता है ना इंक्रीमेंट के बारे में, उनके बॉस ना इंक्रीमेंट तो करते नहीं है, उल्टा इंक्रीमेंट ना करने के 10 बहाने बोलते हैं। सेम सेम तारक के बॉस की तरह। तारक जैसे ही उन्हें सैलरी बढ़ाने को कहते हैं ना तो वो ऑफिस के बढ़ते खर्चे गिनवाते हैं उनसे। सेम 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 अय्यर के साथ डिटो सेम होता है। वैसे आप लोगों की बातें सुनकर लग रहा है सारे बॉस एक जैसे ही होते हैं। वैसे भिड़े भाई लकी है कि उनके कोई बॉस नहीं है। अरे 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 किसने कहा नहीं बॉस? ऑफ कोर्स बॉस है। कौन? ये हमारे माधवी भाभी, ये है ना बॉस? वो हाँ वो तो है बिग बॉस। हाँ अयो कहते रे मैं थोड़ी बॉस हूँ। नहीं हाँ माधवी भाभी बॉस तो आप बिल्कुल हो। बाहर लोगों को लगता है लेकिन ऐसा नहीं है, घर में आके देखो कैसे बॉस बनते हैं ये। स्पेशली जब महीने के खर्चे की बात आती है हमेशा कहेंगे माधवी बहुत खर्चा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, खर्चा कम करो। अरे हमारे जमाने में सींग और चने 50 पैसे में मिलते थे, 25-30 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था। अभी महंगाई कितनी बढ़ गई है आज के जमाने में, देखा ही नहीं माधवी, जितना है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। और पता है कोमल भाभी अच्छा हो आप आ गई, मतलब इतना लेट क्यों आई हैं आप? आइए आइए। हाँ अरे क्या बताऊं, हंस के एक पेशेंट है चिंतामणि, हंस को बस परेशान कर रखा है उन्होंने। क्यों क्या हो गया? चिंतामणि जी एकदम फिट है लेकिन उन्हें लगता है कि वो बीमार है, इसीलिए फिट होने के बावजूद भी बीमारी का कोई ना कोई बहाना बना के हंस के पास दवाई लेने आ जाते और मुझे दवा दो की रट लगा के बैठ जाते। माला का बेटा कोमल भाभी आप उनको मना ही कर दीजिए आने के लिए, नहीं तो उनको बोलिए ना कि किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाइए। हाँ माधवी भाभी सब बोल के देख लिया, वो एक्चुअली हंस की दवाई उन्हें सूट करती है ना इसीलिए वो हंस के पास ही आ जाते। स्ट्रेंज, कोई नया पेशेंट है क्या? हाँ पहली बार आपसे ये नाम सुना। अभी कुछ टाइम पहले ही बाजू वाले सोसाइटी में रहने आए हैं। अरे इसीलिए तो कभी भी घर आ जाते हैं, हंस डॉक्टर है ना इसलिए मना नहीं कर सकते और वो बीमार नहीं है इसलिए दवाई नहीं दे सकते। पता नहीं कैसे इंसान है 24 घंटे बीमारी की चिंता में डूबे रहते। बरोबर नाम है उनका चिंतामणि। हंस को तो उनके नाम से ही स्ट्रेस हो जाता है और उनका स्ट्रेस देखकर आप टेंशन में आ जाती है। डोंट वरी मैं आपका टेंशन अभी दूर कर देती हूँ, अभी आपके लिए ग्रीन टी लाती हूँ। टेंशन बढ़ा रहे या कम कर रहे? हाँ? अरे इनके कहने का मतलब है कि ग्रीन टी पीने से हाउसवाइफ्स का टेंशन कम होता तो सारे हाउसवाइफ्स ग्रीन टी पीती। हाँ हाउसवाइफ्स का टेंशन खत्म होता ही नहीं है, खत्म होता है तो दूसरा हजार। तुम्हें क्या नहीं चाह गया कश्मीर? अरे बेबी। हाँ बेबी। मम्मा आप कहाँ हो? आप अभी तक किटी पार्टी से वापस नहीं आए? अरे अभी तो आई मैं अंजलि आंटी के घर। मम्मा आपको पता है ना कल मैं मेडिकल कैंप में जा रहा हूँ, मेरी पूरी पैकिंग बाकी है और आप जब तक नहीं आओगे ना तो मेरी पैकिंग नहीं होगी, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, आप जल्दी आइए ना। बेबी तुम क्लब हाउस गए थे ना इसलिए मैं यहाँ चली आई। अच्छा सुनो तुम सूटकेस और बाकी सब सामान निकल के रखो, मैं आके फटाफट पैकिंग कर देती हूँ। ओके मम्मा। सॉरी गर्ल्स मुझे जाना होगा, बेबी की पैकिंग करवानी है। वैसे गोली जा कहाँ रहा है? नासिक में 2 दिन का मेडिकल कैंप है तो गांव वालों की मदद करने उनकी सेवा करने के लिए जा रहा है। ओह वाओ दैट्स ग्रेट। तो अपने टप्पू से ना कितनी बड़ी हो गई, नहीं दूसरों की मदद करने लगी है, कितनी जान। हाँ और कितना नेक काम है ये। आई एम श्योर गोली एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, आपका और हाथी भाई का नाम जरूर रोशन करेगा। यस होपफुली, बस उसे चिंतामणि जैसा कोई पेशेंट ना मिले। गायो
चलो पैकिंग के बाद मिलते हैं ओके ठीक है बाय। अच्छा हाँ गोली को हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट कहना। अरे कंटिन्यू कंटिन्यू तो इनकी बात अधूरी ही रहेगी मेरी। अरे वो छोड़िए ना बिस्किट ट्राई कीजिए। हाँ 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 यस मामा हाँ एक्साइटेड बहुत पापा। बेबी तुम्हारा बैग पैक हो चुका है कल के लिए बस नाश्ता रखना है वो मैं कल रख दूंगी। डन डन। बट बेबी तुम अपने तबियत का ध्यान रखना। हाँ बस मम्मा कोमल गोली अब बच्चा नहीं रहा बड़ा हो गया है ये अपना ध्यान खुद रख सकता है। मैं बोलता हूँ हंस बेटा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए तो वो बच्चा ही होता है। कोमल आज गोली मेडिकल कैंप के लिए जा रहा है कल बड़ा डॉक्टर बनेगा फिर भी यही कहोगी। हाँ हाँ चाहे जितना भी बड़ा डॉक्टर बन जाए मेरे लिए तो बेबी ही रहेगा। कोमल तुम ना एकदम भोली हो। बाबा गेस व्हाट कौन आया होगा। कौन पापा के फेवरेट पेशेंट चिंतामणि जी। चिंतामणि जी फिर से आ गए परेशान कर देंगे मुझे कहाँ छुपूं। अरे अरे पापा 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 कोमल मैं ना यहाँ छुप जाता हूँ तुम जाके उनको कह दो कि मैं घर पे ही नहीं हूँ चल चल। अरे कर रहे हो हंस तुम डॉक्टर हो ऐसे छुप तो नहीं सकते हो। हाँ पापा जाओ देखो उनको। तो क्या करूँ कोमल जब से चिंतामणि जी बाजू की सोसाइटी में रहने आए मेरी चिंता डबल हो गई है। एक बार मैंने दवाई दी वो ठीक हो गए तुम रोज आने लगे हैं। मुझे आज ये हुआ है आज वो हुआ है और हुआ कुछ नहीं होता है अब क्या करूं। कोमल पता नहीं आज कौन सी नई बीमारी लेकर आया होगा क्या करूं चेक तो करना ही होगा चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट पापा। आ गया टेंशन। हेलो चिंतामणि जी। चिंतामणि चिंता की चिंता बढ़ गई है। क्यों क्या हुआ सब ठीक है ना। अरे सब ठीक होता डॉक्टर हाथी तो मैं आपके पास क्यों आता। लेकिन हुआ क्या है कुछ कुछ होता है। वो फिल्म तो मैंने देखी चिंतामणि उससे आपकी चिंता कैसे बढ़ गई। अरे मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ मेरी पूरी बॉडी में कुछ कुछ होता है सुबह से कुछ मजा नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये बताओगे। अभी मैं घर से आ रहा था ना तो एकदम सब चक्कर आ रहे थे सब घूम रहा था मुझे लगता है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। आप एक काम कीजिए आप मेरा बीपी चेक कीजिए जल्दी से आप मेरा ब्लड प्रेशर चेक कीजिए डॉक्टर साहब। शांत शांत हो जाइए आप शांत। अरे मैं कैसे शांत हो जाऊं मेरा ब्लड प्रेशर एकदम प्रशांत महासागर की तरह उफान मार रहा है और आप कह रहे हैं कि शांत हो जाइए मैं कैसे शांत हूँ। क्या हुआ क्या क्या हुआ डॉक्टर साहब देखिए मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है देखिए देखिए ये आपका मोबाइल धड़क रहा है मतलब मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है। नहीं अच्छा हेलो अरे नहीं चाहिए लोन डॉक्टर हाथी डॉक्टर साहब आप जल्दी मेरा ब्लड प्रेशर चेक कीजिए जल्दी कीजिए। कर देता हूँ आप पहले ठीक नहीं आइए 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 मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है डॉक्टर आइए मैं अभी चेक कर लेता हूँ। अरे चिंतामणि जी आपका ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ है ना एकदम नॉर्मल है। अच्छा लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। हाँ आप एक काम कीजिए आपने पिछली बार मुझे जो दवाई दी थी ना आप मुझे वही दवाई दे दीजिए उससे मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। अरे उस टाइम आपको बुखार हुआ था और मैंने आपको बुखार की दवाई दी थी तो वही दवाई मैं आपको कैसे दे दूं आप बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई दीजिए। अरे कैसे दे दूं मैंने भी आपका ब्लड प्रेशर चेक किया ना नॉर्मल है
आपको दवाई की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, मुझे अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा है डॉक्टर साहब, मुझे मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। चिंता नहीं, कोलेस्ट्रॉल, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है। अरे आपको कोई वाईफाई, आपको कोई हाई वाई नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक है। नहीं 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 डॉक्टर साहब, आप इस बात को इतनी लाइटली मत लीजिए, बहुत सीरियस है। मेरे मामा का लड़का मेरे साथ रहने आया था, उसे भी यही लगता था कि उसे कोई बीमारी नहीं है, फिर एक दिन चला गया। कहाँ गाओ? ऊपर। ओम शांति। देखिए उनकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे ना तो पता चलेगा कि क्या हुआ था। तो डॉक्टर साहब मैं एक काम करता हूँ, मैं ब्लड टेस्ट करा लेता हूँ। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं 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 डॉक्टर साहब, जरूरत कैसे नहीं है, ब्लड रिपोर्ट से ही तो आपको पता चलेगा कि मुझे क्या बीमारी है। आप कुछ मत बोलिए, मैं कल आपके पास ब्लड रिपोर्ट लेकर आता हूँ, आप मेरा इलाज शुरू कर दीजिए बस। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी कमजोरी लग रही है, उसके लिए कुछ तो दवाई दे दीजिए। नहीं दे सकता, कोई दवाई नहीं दे सकता, आपका रिपोर्ट लेकर आइए फिर देखूंगा। पर चिंता की कोई बात नहीं है, कल रिपोर्ट लेकर आइए देखूंगा। ओके। पर डॉक्टर साहब चिंता मेरी, आपकी फीस? नो दवाई नो फीस। अच्छा थैंक यू। चिंता मेरी कल। हे भगवान, ऐसे चार पांच पेशेंट और आ गए ना तो मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब क्या है? मैं गोली 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 गोली। आई ओके? ठीक हो बेटा। चिंता मत कीजिए बाबा, चिंता के बारे में कुछ बात ही मत करो। ओह सॉरी 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 पापा, वो मतलब ये अंकल थोड़े अलग टाइप के पेशेंट है। नहीं हाँ बेटा, देखा एक डॉक्टर को कैसे कैसे पेशेंट हैंडल करने पड़ते हैं। आई अंडरस्टैंड पापा। पता नहीं ये चिंतामणि कल क्या रिपोर्ट लेकर आएगा, मुझे इसका ना कोई परमानेंट इलाज ढूंढना पड़ेगा, मतलब यूं ही रोज परेशान करता रहेगा आपका। बच्चे कैरम खेल रहे हैं। ओ यारो मैं क्या कहता हूँ, आज हम भी कैरम खेले। हाँ चल हो जाए दो दो हाथ। ओ चल यार, दो दो हाथ नहीं दो दो पैग। हाँ चल 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 चल। अरे बाबा सोडी अंकल, पोपट अंकल, आप लोग यहाँ? आज आपका सोडा पीने का प्लान कैंसिल हो गया क्या? अरे नहीं नहीं कैंसिल नहीं हुआ है बाड़ा, बाहर बहुत तेज बारिश है ना तो सोचा के क्लबों से बैठ के सोडा पियेंगे। ओ अच्छा। अरे तो बीड़ अंकल आप लोग यहाँ पे सोडा पियोगे तो हम लोग खेलेंगे कहाँ? ये गोड़िया, हम लोग सोडा वहाँ बैठ के पियेंगे, तुम लोग यहाँ पे खेल रहे हो तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छा बीड़े अंकल मतलब आप लोग वहाँ बैठ कर हमारी बातें सुनोगे? प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है बीड़े अंकल। अरे बीड़े अंकल गोली मजाक कर रहा है। हम लोगों का खेल के हो गया है, हम बस जा ही रहे हैं। इसको लेते ना वहाँ पे। अच्छा बीड़े अंकल याद से जाते जाते लाइट और पंखे बंद कर। जातो कहाँ था भाई, पंखे ले भी। चल ये सी रख देते हैं। अच्छा अच्छा सेटिंग कर भाई। टेबल भी सेट कर दिया। हो गया ना, बाकी सारे कितने रह गए यार। अच्छा वो ये लोग आप ही गए? वाह वाह वाह, तैयारी भी हो गई है साहब। अरे वाह वाह, सब मुंडा बिंडा रख दिया भाई, माहौल बना दिया माहौल। तब लोग आ गए, ये अब्दुल किधर रह गया? अरे आ जाएगा अब्दुल अय्यर भाई, आपको सोडा पी के कहीं फटाफट जाना है क्या? क्या जाना है जेठालाल, हम लोग यहाँ पर कितने लिए आए हैं? थोड़ा पीने ना। तो फिर अब्दुल यहाँ पर नहीं है तो मैं पूछेगा ना कि वो किधर रह गया है। करेक्ट है जी।
अब आ जाएगा अभी। आ गया भाई। तो आ गया भाई, चलो बस शांति। अय्यर भाई बारिश है बार? अरे बहुत बारिश है। ओ, ओ, ने अच्छा हुआ हम लोग ने नक्की किया इधर बैठ कर सोडा पीने का। किसी को कोई जल्दी नहीं है, कहीं जाना नहीं है, बराबर ना यार भाई? हाँ नहीं जाना। बस दम दो, फटाफट फटाफट। लो यार भाई अब्दुल आ गया, अभी 5 मिनट में आपको सोडा मिल जाएगा। क्या बात कर रहा है, अब्दुल आ गया है, अभी 5 मिनट में सोडा मिल जाएगा काका। जयडलाल मेरे को सुनाई देता है, पर अब्दुल आया है तो सोडा मिलेगा ही, मालूम है मेरे को। क्या बात है, मुझे लगा नहीं सुनाई दिया भाई। मिलेगा मिलेगा, चटाकीदार मसालेदार सोडा पीने को मिलेगा। हेलो, हाँ हाँ अब्दुल बोल रहा हूँ। क्या चाय पत्ती 250 ग्राम का पैकेट है? नहीं नहीं ये तो चांस ही नहीं है। अरे बाबा नहीं हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता है। फोन रखिए। क्या हुआ अब्दुल, कौन है, फोन गुस्से में क्यों काटा? पता नहीं कोई कस्टमर था, बोल रहा था कि उसे 50 ग्राम चाय की पत्ती चाहिए। मैंने बोला 50 ग्राम नहीं मिलेगा, कम से कम 250 ग्राम का पैकेट लेना पड़ेगा। मुझे बोलता है कि वो 250 ग्राम का पैकेट तोड़ के उसमें से 50 ग्राम मुझे दो। बोलो सॉलिड नमूना है। ऐसे चाय के पैकेट में से 50 ग्राम चाय निकालने को कौन बोलता है? क्या बोलूं पोपट भाई, दिन में ऐसा एक कस्टमर तो आ ही जाता है, नमूना। नहीं नहीं बिल्कुल बराबर बोल रहा है अब्दुल, मेरी दुकान में भी पूरे दिन में एक आध नमूना तो ऐसा मिलता ही है। अभी आज सुबह की बात है, आज एक कस्टमर माइक्रोवेव ओवन खरीदने आया। ये देखिए सर, ये है लेटेस्ट माइक्रोवेव ओवन। इसमें आपका कोई भी खाना कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट में गर्म हो जाएगा। अच्छा तो डेमो दिखाइए। लाइए, क्या क्या गर्म करना है लाइए, अभी डेमो दिखा देता हूँ। ये मेरा सब्जी गर्म करके दिखाइए। हो गया। हाँ, एकदम मस्त गर्मा गर्म हो गए आपकी सब्जी सर। ये लीजिए सब्जी गर्म। अच्छा दाल कितने टाइम पे गर्म होती है? ये यही 45 सेकेंड। लाइए इसे भी गर्म करनी है, कोई बात नहीं। गई आपकी रोटियां गरम, मस्त गर्मा गरम होगी, रख दीजिए। वाह इसमें तो मेरा पूरा टिफिन गरम हो गया। तो? और ये कितनी देर तक गरम रहेगा? ये मतलब समझिए ना, आप जब तक खाना खाएंगे तब तक तो गरम रहेगा ही रहेगा। ओके थैंक यू। अरे एक मिनट सर, क्या हुआ, खरीदना नहीं है? वो मेरी ऑफिस बाजू में ही है, तो पहले मैं खा के देखूंगा कि ये कितने टाइम तक गर्म रहता है, फिर शाम को आके खरीदता हूँ। जी एक काम कीजिए सर, आपका फोन नंबर मुझे दे दीजिए। क्यों फोन नंबर क्यों चाहिए? नहीं अगर ऑफिस के काम में आप भूल गए तो मैं आपको फोन करके याद दिला दूंगा कि घर जाते वक्त आपको माइक्रोवेव ओवन खरीदना है। ओह नाइस, थैंक यू, आता हूँ शाम को। ओके
अरे सर सुनिए, आता हूँ। अरे सर नंबर तो दे। रहने दे भाई, वो नहीं देगा नंबर अपना। वो इधर खाली खाना गर्म करने ही आया था। हाँ, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। आइए भाई सब बोलिए। आपके पास वॉशिंग मशीन है? जरूर बाका, वॉशिंग मशीन दिखाओ। जी, लेकिन वॉशिंग मशीन कपड़े धोने वाला नहीं, पाप धोने वाला चाहिए। आज तब ऐसे ही कस्टमर आ रहे हैं। भाग भाग यहाँ से, चल भाग। पापी कहीं का? पापी? शांत बगा शांत। अरे लेकिन क्या है ये सेठ जी, पाप धोने का नहीं वॉशिंग मशीन? बेटा दुनिया ऐसी ही है। नटू काका ले जाइए, जरा इसको बिठाइए, जरा शांत कीजिए। अरे क्या ये पाप धोने का नहीं वॉशिंग मशीन? अरे शांत। अरे ये तो अब्दुल के कस्टमर से भी बड़ा नमूना निकला। तो करेक्ट नंबर बड़ा। अरे सॉलिड आइडिया लगाया उसने। देवो के नाम पर अपना लंच गरम करके चला गया। और वो पाप धोने वाली मशीन है क्या? असो कोड विचारत बघना। ओए पिडू, ऐसा कुछ भी नहीं। वो पिछले हफ्ते एक टॉप क्लास का नमूना अपनी गड्डी लेके मैं गैराज भी आया थी। भाई साहब गाड़ी में मॉडिफिकेशन करवाना है, तो क्या आप कर सकते हो? कर सकते हो मतलब? वो क्या मुझे गल्ला कर रहे हो? वो छोटी गैराज में इम्पॉसिबल भी कहता आई एम पॉसिबल। और तुसी दसो मॉडिफिकेशन क्या करवानी है? भाई साहब ये जो कार की जो स्टीयरिंग है, ये स्टिंग निकाल के आप सेंटर में लगा दो। तोड़े कहने का मतलब है कि ये जो राइट साइड में स्टीयरिंग लगा है उसको आपको सेंटर में लगाना है? पर ऐसा क्यों करना है? इसका स्टीयरिंग जो है राइट साइड पे है और लेफ्ट साइड के मुझे कुछ दिखाई देता नहीं है, और गाड़ी जो है ना हमेशा ठुकती रहती है। ये देखिए, देखो आप तेरी। तो भाई साहब आप जो स्टीयरिंग को राइट से निकाल के सेंटर में लगा दो, ताकि मुझे लेफ्ट और राइट दोनों का जजमेंट बराबर मिलेगा और गाड़ी भी नहीं ठुकेगी। ओ नहीं नहीं भाई साहब, ये राइट का स्टीयरिंग हम सेंटर में नहीं लगा सकते। क्यों नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, आपको नहीं करना है मत करो। मैं पुरानी गाड़ी का स्टीयरिंग लाया हूँ, आप उसको लगा दो। एक मिनट, ये लो आप इसको सेंटर में लगा दो। ओ भाई साहब, ये राइट का स्टीयरिंग सेंटर में लगाने के लिए ना पूरी गाड़ी की इंजीनियरिंग चेंज करनी पड़ती है। वो मैं क्या, कोई भी गैराज वाला नहीं लगा सकता। ओ फड़ो इनो। इसका मतलब आपको काम आता ही नहीं है। ओए ओ फालतू की बात करके मेरा दिमाग गर्म ना कर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको नहीं करना है मत करो। आपको स्टीयरिंग नहीं लगाना है मत लगाइए, आप एक मेरा दूसरा काम कर दीजिए। दसो मेरी कार की एसी खराब है और मेरे घर पे जो है ना एक पुराना विंडो एसी पड़ा है, आप उसको फिट कर दीजिए। ओए खोतिया, और तू मेरे दिमाग का इंजन गर्म ना कर। ओ दफा हो जा अपनी गड्डी यहां से लेके। ओए गल कर रहा है, वो स्टीयरिंग सेट पर लगा दो। ओ विंडो एसी गड्डी में कौन लगा दो? विंडो एसी गड्डी में पता नहीं कहां से आ जाते नमूने। ओ दफा हो जा यहां से। पाजी ठंड रखो, पता नहीं कहां से आ जाते नमूने। सरे सरे दिमाग खराब है। ठंड रखो पाजी। ओए कड इनू बाहर यार। सोडी तुम्हारे गुस्से का उस पे कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा? ओ ना जी ना मेहता साहब, वो नमूना ऐसा टॉप क्लास का था कि वो अगले दिन ट्रक का टायर लेके आया और मुझे कहा कि मेरी गड्डी में फिट कर दो। अरे ट्रक का टायर सोडा रेडी है। कमाल है, कमाल। अरे अब्दुल भाई तेरा ग्लास किधर है? मेरा गिलास यार। अरे तू भी ले आ, ले बैठ बैठ भाई, पी हमारे यहाँ। हमको तेरी कंपनी का लाभ दे भाई। चलो चीयर्स 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 चीयर्स। वैसे जोड़ी तुम्हारा वाला नमूना ना अव्वल दर्जे का निकला है ना? सच सच। लेकिन बिड़े तू बहुत लकी है, तेरा ऐसे नमूनों से कभी बाला नहीं पड़ता होगा। नहीं नहीं पोपटलाल, दूध के ढोल हमेशा सुहाने लगते है? मेरा भी नमूनों से पाला पड़ता ही है। अच्छा, अभी दो दिन पहले की बात है, मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे अपने बच्चे को लेकर।
आप निश्चिंत हो जाइए, अभी आप मेरे पास आए हैं। आपके बेटे को कल से मेरे पास ट्यूशन के लिए भेज दीजिए, मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, देखना इसके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। पक्का ना? हाँ पक्का पक्का। एक मिनट सर, एक। हाँ ये लीजिए। ये क्या है? स्टैम्प पेपर। लीजिए लीजिए। स्टैम्प पेपर? हाँ। मैं शिक्षक आत्माराम भिड़े गारंटी लेता हूँ कि मैं आपके बेटे चिराग को पढ़ाऊंगा और वो परीक्षा में 95% के ऊपर मार्क्स लाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको पूरा हक है कि आप मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। अरे ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है सर, मैं तो बस गारंटी मांग रहा हूँ। अरे ऐसी गारंटी कौन लेता है? अभी आपके बेटे को 95% के ऊपर मार्क्स आएंगे, गारंटी मैं कैसे ले सकता हूँ? हाँ इसको अच्छे से पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ, वो मेरा काम ही है। अभी एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम तो यही देगा ना, मैं थोड़ी दे सकता हूँ। नहीं नहीं मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते गारंटी? जब हम मार्केट से कुछ खरीदते हैं जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वो तो हमें गारंटी देते हैं। जब हम आपको फीस दे रहे हैं तो आप गारंटी क्यों नहीं ले सकते? अरे आप समझ ही नहीं रहे भाई साहब, मैं घोड़े को पानी तक लेके जा सकता हूँ चाहे कितना भी कठिन रास्ता हो, लेकिन पानी तो घोड़े को ही पीना पड़ेगा ना। देखिए ये सब उदाहरण हमें मत दीजिए, आप गारंटी नहीं ले सकते तो मत लीजिए। हम अपने बेटे को खुद पढ़ा लेंगे, वो भी फ्री में। चल बेटे चलो। अरे अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? बताओ क्या जमाना आ गया, लोग शिक्षक से अच्छे मार्क्स की गारंटी मांगते हैं। बोलो। नमूनों की कमी नहीं है। देखो ना मेहता साहब, पर ऐसे कई नमूने आते हैं मेरे पास। अच्छा वा? हमारे आती भाई का अच्छा है, इनकी दुकान पर ऐसे कोई नमूने पेशेंट नहीं आते होंगे। दुकान? दुकान? ओ मेरा मतलब है क्लिनिक। क्लिनिक? ऐसी बात नहीं है पोपटलाल, मेरे क्लिनिक में भी नमूने आते हैं। ऐसा ही एक नमूना है चिंतामणि, जो मेरा पेशेंट है, थोड़े दिन पहले ही हमारे पास वाले एरिया में शिफ्ट हुआ है। वो चिंतामणि हमेशा बीमारियों की चिंता में डूबा रहता है, उसे दवाइयां खाने का शौक है। बोलो। अरे ओ यारो, लोगों को खाने पीने और घूमने का शौक होता है, लेकिन इस नमूने को दवाइयां खाने का शौक है। बड़ा अजीब बंदा है। हाँ चिंतामणि को कोई बीमारी नहीं है, फिर भी उसे लगता है कि उसे सब बीमारियां है। रोज कोई ना कोई बीमारी का बहाना बनाकर आता है और मुझसे दवाई मांगता है। अरे बाप रे बाप, अरे ये तो बहुत बड़ा नमूना है। लगता है उसको वहम है। सही बात है भिड़े मास्टर, कि वहम वाली बात उसे समझाने जाता हूँ तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है, और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी। अगर ऐसा हुआ ना तो एक पेशेंट की वजह से डॉक्टर पेशेंट बन जाएगा। रोज आता है नई नई बीमारियों का बहाना बनाकर दवा लेने, परेशान कर दिया है मुझे। वातिप्रा, वो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है? उसे कुछ दवाई शुवाई दे के छुटकारा क्यों नहीं पा लेते? सोड़ी, वो बिल्कुल ठीक है तो ऐसे कैसे दवाई दे दूं? ये हमारे डॉक्टरों के उसूलों के खिलाफ है। वाह वाह आतिफ भाई वाह। तो आतिफ भाई पेशेंट को किसी और डॉक्टर के पास भेज दो और बोल दो कि तेरे दर्द की दवा मेरे पास नहीं है। वो भी कोशिश कर ली अब्दुल, पर वो किसी और डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार ही नहीं है। पर ऐसा क्यों आती भाई, वो आपके पास ही दवाई लेने क्यों आता? एक्चुअली क्या हुआ कि एक बार वो सच में बीमार पड़ गया, किसी और डॉक्टर से ठीक ही नहीं हो रहा था, फिर वो मेरे पास आया तो तुरंत ठीक हो गया। तब तो उसको मेरे पर ही विश्वास है। तो बराबर है ना डॉक्टर आती, अभी वो लाइफ टाइम तुम्हारे पास में ही आएगा, क्योंकि क्या है उनको पूरा भरोसा हो गया है कि वो तुम्हारे मेडिसिन से ही हमेशा ठीक हो सकता है। हाँ बराबर है। हेलो। हाँ बोलिए। कल ठीक है आइए।
ओके। अरे बाप रे, क्या हुआ? चिंतामणि का फोन था, वो कल सुबह वापस आएगा, मुझे परेशान करेगा। ओए हाथी ब्रा, तुसी कहो तो मैं उसे अपने तरीके से समझाऊं। नहीं नहीं सोड़ी, तू रहने दे, तू उसे समझाएगा तो फिर आएगा ही आएगा पेन किलर लेने। मैं उसे अपने तरीके से ही समझा दूंगा। अब्दुल इसे रख दे। हाँ। चलो मैं चलता हूं। बेचारे हाथी ब्रा। कोई बात नहीं सोड़ी, कल मैं ऐसा सुविचार लिखूंगा जिसे पढ़ने के बाद वो चिंतामणि खुद ब खुद ठीक हो जाएगा।